साधना का मतलब क्या और साधना के नियम कायदे कानून क्या है। देखो, साधना का मतलब है कि तुम पथ पे चलने के लिए तैयार। साधना का मतलब है कि अब तुम राजी हुए खुद में कुछ बदलाहट करने के लिए। तुम साधना का मतलब इस तरह से ही लेना कि अब मैं तैयार हूं उस रास्ते पर निकलने के लिए। वो रास्ता जो है वो है साध। जब तुम तैयार हो अपने भीतर में डूबने के लिए, तब तो तुम साधक बने। अगर तुम क्यूरियसली आए हो, अगर तुम कहते हो कि ना ना सब कर रहे अपन भी करके देखेंगे, बबलू, ये वैसे है कि सब इंजीनियरिंग कर रहे मैं भी करके देख, बबलू रुक जा, ये तो ऐसा है कि सबके पास है मैं भी तैयार हूं, बबलू रुक जा, है ना। ये तो ऐसा है कोई दिख रहा है दिन भर होगी माझी बाय करते हुए और बबलू भी कह रहा अब मैं तैयार हूं, बबलू रुक जा। ये ऐसा मत लो कि सब कर रहा है इसलिए मैं कर रहा। जब तुम्हें भीतर से ऐसा लगे कि मैं जीवन को जी चुका बाहर से और जीवन को जीते जीते मैं ये समझा कि इस उम्र में आकर भी एक सफिशियंट लाइफ जीकर भी वो चीजें थोड़ी सी कमा कर भी जो मैंने सोची थी कभी कि घर हो परिवार हो पैसे हो थोड़ा सा ये हो वो हो, ये सारी चीजें होने के बाद भी मेरे भीतर में कुछ नहीं। अभी भी मेरी वही मांग है जीवन से जो 20 साल पहले थी 30 साल पहले थी या शायद अब ज्यादा है, क्योंकि कल तक खुद के बारे में सोच रहा था, अब पत्नी बच्चों बच्चों के बच्चे गधे के बच्चे सबके बारे में तुम सोच रहे। पहले तो भी मतलब जब तुम उम्र में थे तो खुद के बारे में सोच रहे थे, है ना। 18-19 साल का लड़का खुद के बारे में सोचता है कि भाई मैं क्या करूं। 28 साल में अगर उसकी शादी होगी वो सोचेगा दो लोगों का क्या करे। 30 में बच्चे हो गए बोलेंगे अब उनका क्या करे। तुम 60 में आओगे तो बच्चे के बच्चे हो जाएंगे। अगर गलती से 80 जी लिए तो बच्चे के बच्चे गधे के बच्चे भी हो जाएंगे। सबके बारे में सोचो। अब तुमको सबके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जानी है वरना वो तुम्हारा नाम कैसे ले। तो उम्र के साथ समझदारी बढ़ी या बेवकूफी बढ़ी? बेवकूफी बढ़ी। अभी भी तुमने कमाने के हिसाब से घर वर ले लिया लेकिन खुद को कमाना भूल गए। अभी भी तुमने कमा तो बहुत कुछ लिया दुनिया को दिखाने के लिए लेकिन खुद को ना कमा पाए। अब भी जब तुम आंख बंद करते हो ना तो भीतर में ऐसा हो जाता है कि कब कब आंखें खोलूं और कब भागूं खुद से। तो बूढ़े लोग तुम पाओगे 50-60 के बाद वो बड़ा ग्रुप बना के चलते हैं, वो ग्रुप में जिएंगे। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बूढ़ा आदमी अकेला नहीं जाएगा, वो 4-5 बूढ़ों को लेके जाएगा। नहीं नहीं चला काका जी मामा जी आत्या जी पापा जी, क्यों? अब बुढ़ापा है, अब अकेलापन सता रहा है। जवान आदमी अकेला निकल जाएगा जिम के लिए, बूढ़ा आदमी नहीं जा पाएगा क्योंकि अब भीतर से ऐसी रिक्तता आ गई कि अब इकलौता बैठना अकेला बैठना सताता है, डराता है। तुम अकेला नहीं बैठ पाओगे ज्यादा समय। फिर तुम रीजन कोई भी देख लो, रीजन यही है कि तुम अकेले बैठने से डर रहे हो इसलिए अब तुम्हें कोई साथी चाहिए। इस चीज को तुम जितना जल्दी समझो कि मैं अकेला आया हूं अकेला ही जाऊंगा, कुछ ऐसा कमा लो जो सच में मेरा है, तब तब तुम्हारे जीवन के साधक जीवन की शुरुआत हुई। इतना भी कोई समझ ले कि बाहर से तो मैं कमा ही रहा हूं, बाहर से बाहर के जीवन में जो किया जा सकता है वो मैं कर ही रहा हूं, जॉब भी कर रहा हूं, परिवार को भी संभाल रहा हूं, शरीर को भी संभाल रहा हूं, लोगों के साथ भी अच्छे तालुकात बना के रखे हैं, पदों पे भी हूं, बाहर के जीवन को जैसा जीना चाहिए वैसा मैं जी ही रहा हूं, बावजूद उसके मेरे भीतर कुछ रिक्त है। अब थोड़ा इसको भी भरने का समय आया। इस समझ के साथ जो भरा वो साधक जीवन की ओर बढ़ा और वही साधना में कुछ कर पाएगा जिसने बाहर के जीवन में थोड़ा सा देख लिया कि कितना भी कमा लो तुम यहां पे हो तो मेहमान, तुम कुछ भी कर लो तुम हो तो यहां के तुम मालिक नहीं, बस किराएदार। और सच में किराएदार हो। अगर तुमने खुद का घर भी ले लिया ना बबलू, तो भी तुम गवर्नमेंट को हर साल उसका टैक्स देते ही हो। कर अगर गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे घर पे से जाएगा पुल, तो तुम कितने भी हाईकोर्ट में चले जाओ वो तुम्हारा घर टूटेगा ही। और जिस घर को कभी ना कभी छोड़कर ही जाना है उससे क्या इतने लगाओ। इस चीज को जो जितना जल्दी समझा वो उतना जल्दी साधक दिशा में अग्रसर हुआ।
साधक के क्या नियम होने चाहिए? ना ना ना, साधक के नियम नहीं होते। जागरूक आदमी कभी नियम देता ही नहीं। इस बात को समझना, ये ऐसे ही समझना, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर तुम्हें यूपीएससी करना है तो तुम्हारे अपने जीवन को ना तुम्हें शेड्यूल में लाना पड़ेगा, राइट? अगर तुम्हें कलेक्टर बनना है तो तुम्हें शेड्यूल में लाना ही पड़ेगा अपने जीवन को। तुम्हें सही लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, सही चीजों को पढ़ना पड़ेगा, सही तरह से जीना पड़ेगा। अगर तुमने तय किया कि सुबह 4 घंटा और शाम को 4 घंटा तुम पढ़ाई करोगे, उसी में रहोगे, उसी तरह के लोगों के साथ मिलोगे, उसी तरह के चीजों को अपने आसपास नियंत्रित रखोगे, और ऐसा साल भर मेहनत लेने के बाद तुम्हारे चांसेस है। कोई कहेगा कि मैंने फॉर्म भर दिया, यूपीएससी करना है और जैसे चाहूं वैसे जी रहा हूं, कुछ ना होने वाला बबलू तेरे से, कर भी मत। तो अगर तुम इसे कहो कि अगर कलेक्टर बनना है तो नियम से जीना पड़ेगा, ये बड़ा गंदा हुआ। ये तो शेड्यूल है। अगर तुम्हें उस उद्देश्य के पीछे जाना है तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अपने भीतर की बदलनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है कि तुम्हें वो कहते हैं ना, मिलिट्री के लिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नहीं नहीं डिसिप्लिन, कि तुम्हें अपने लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तो नियम की बात मत करना, ये तो बात सीधी है कि अगर तुम साधक दशा में हो और अगर तुम नॉनवेज का सेवन करते हो तो तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि जो तुम खाओगे वो तुम्हारे शरीर को लगेगा। अगर तुम किसी जीवित चीज का मांस खाओगे, उसको मारकर तुम खा रहे हो, तो याद रखना कि उसके शरीर की जो तड़पन है ना, उसमें बसी है, वो तुम्हें एग्रेसिव कर देगी। नॉनवेज अगर तुम खाते चले जाओ तो तुम एग्रेसिव हो जाओ। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर जड़ता आ गई, गुस्सा तुम्हारे भीतर जल्दी प्रकट होने लगा, क्योंकि जो तुम खाओगे वही तो लगेगा तुम्हारे शरीर। इसलिए इन चीजों को बहुत आध्यात्म ने कहा कि भाई इन चीजों को अगर तुम सही कर लो तो तुम्हारे साधना में मदद होगी। तो ये कोई नियम नहीं है, ये तो ऐसा ही है कि अगर बेटा कलेक्टर बनना है तो कुछ घंटों के लिए पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, बेकार की बातों से छूटना ही पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट रहना ही पड़ेगा एक चीज पे, तो ही बन पाओगे। उसी तरह से अगर तुम्हारे भीतर तुम चाहते हो गहराई आए, तो इन चीजों से अगर तुम खुद को संभाल लो, थोड़ा खुद को सही कर लो, तो तुम्हें उस रास्ते पर आसानी हो जाएगी। इतना ही इसका। और नियम मैं नहीं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि लोग नियमों में अटक जाते हैं और साधना को भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खा रहे, हम शराब नहीं पी रहे, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन हम ध्यान भी नहीं कर रहे, तो बेटा कुछ ना फायदे का। तुम साधना के नाम पर कुछ नहीं कर रहे और तुम बोल रहे हमने ये सब कुछ छोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, तुमने नियमों को पकड़ लिया, और जिसके कारण नियमों को छोड़ना था, नियम को पकड़ना था, वो तुम भूल गए। अब ये नियमों को पकड़कर ही तुमने इनका श्रृंगार कर लिया, तो तुम पाओगे कि एक वेजिटेरियन आदमी एक नॉनवेज वाले आदमी को ऐसा देखेगा कि पापी इंसान, कि अरे रे 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 मांस खाता है, ये नरक में सड़ेगा। ये खुद को धार्मिक कहने वाला इंसान जो दूसरों को गाली दे रहा है, किसी नॉन वेजिटेरियन को देखने के बाद इसके दिल से आ रहा है अरे रे 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 कैसा पापी आदमी है, ये नरक, ये खुद नरक में सड़ेगा। ये नॉन वेजिटेरियन वाला पहुंच सकता लेकिन ये वेजिटेरियन वाला नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसने नियम को ही पकड़ा, श्रृंगार बना लिया, इसने नियम के तहत ही खुद को अहंकारी बना लिया। ये कहता है कि मैं इन नियमों से जी रहा हूं, देखो मैं कितना प्यारा। ये कहता है कि मैं नियम से बंधा हूं, देखा मेरी सुंदरता को, देखा नियम, 4 बजे उठता हूं, सत्यचित्त खाता हूं, सत्यचित्त बोलता हूं, अच्छी बात बोलता हूं, मुंह से एक गाली नहीं निकलती, सिर्फ राम का नाम चलते रहता है। वाह रे, किसे तुम बेवकूफ बना रहे हो? ये बिना गाली के जीने वाले लोग पृथ्वी पर नहीं है, ये सब नाटकी लोग हैं। एक बच्ची से मैं मिला था, मैंने उससे पूछा कि करे बेटा गाली वाली देती, तो 2 बच्चे थे, एक बच्ची बड़ी ईमानदार थी, उसने कहा हाँ भाई देती, ईमानदार लड़की है, ऐसा कौन है दुनिया में जो गाली नहीं देता? हो सकता मुंह पे ना दे, दिल पे तो दे देता ना, दिल में तो दे ही देता, सामने वाले को देता ही है ना, तुम मुंह पे ना दो, दिल में तो दो ही दोगे ना। तो एक बच्चे ने कहा कि हाँ भाई मैं देती, ईमानदार बच्ची। दूसरी बच्ची थी, उसको पूछा गाली दे, बोले नहीं। मैं कहा भीतर भी कभी गाली नहीं दी किसी को, मन में भी गाली नहीं? बोले नहीं नहीं किसी के लिए कभी गाली नहीं। मैं कहा क्या ये झूठ के प्रावरण देखे,
ये देखा, ये लहरें देखी, अब इसको इस चीज का अहंकार हो जाएगा, मैं कभी गाली नहीं देती। आहा, तो क्या? और ये लोग स्वामी समर्थ के भक्त है जो खुद गाली देते थे, देते थे ना, देते। हमारे यहां के अगर तुम संतों की बात करो तो कौन संत था जो गाली नहीं देते? इसका मतलब ये नहीं कि तुम गाली देते मतलब संत हो गया, इसका ये मतलब है। लेकिन कहने की बात कि अभी तक तुम्हें शब्दों में ही फर्क ना आया, अभी तुम्हें यह भी समझ ना आया कि शब्दों का काम समझ का है। किसी ने अच्छे अच्छे शब्द बोल दिए तो तुम्हें लगा कि बड़ा ये पुण्यवान आदमी है, किसी के मुंह से दो गालियां निकल गई तो तुम सोचते हो बड़ा गंदा आदमी है। यही से तो तुम्हारी शुरुआत है, यही से तो तुम द्वंद्व में अटके हो। तो नियमों के प्रति ज्यादा सजग मत हो जाना, यह मत सोचना कि इन नियमों को तुम जियोगे तो कहीं पहुंच जाए, बिल्कुल नहीं। कोई उद्देश्य के तहत उन नियम तुमसे अपने से बने, अपने से वो चीजें छूटे, क्योंकि अब उद्देश्य उतना प्यारा है। वो जो कलेक्टर की एग्जाम देने के लिए लड़का मेहनत कर रहा है ना, उसके दोस्त बाहर मजे कर रहे हैं, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन सबको नजरअंदाज करके वो 8 घंटा अपना पढ़ाई कर रहा है, बचा हुआ समय भी उसी चीजों में और उसी एक उद्देश्य के तहत पूरे जीवन को केंद्रित कर रहा है। और जब वो कलेक्टर बनेगा ना, तो हो सकता है कि ये सामने वाला बंदा 10 करोड़ रुपए महीने का भी कमा ले, लेकिन वो मिलेगा उस कलेक्टर के ऑफिस में ही झुकता हुआ, बोलेगा सर जी एक साइन करो, है ना। तो उद्देश्य जो है वो बड़ा प्यारा है कि अध्यात्म में भी उद्देश्य के तहत जो चीजें तुमसे छूट रही है उसको नियम मत कह लेना, वो अपने से छूटनी चाहिए, उसके प्रति दबाव ना। ऐसा ना हो कि कोई तुमसे कहे कि ये छोड़ोगे तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से अध्यात्म में बेवकूफी बड़ी है। लोगों ने तुमसे कहा कि अगर तुम ऐसे जियोगे तो भगवान आ जाएगा, और फिर वो बताने वाला वैसा जीता है ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि उसके पास भगवान है, और ऐसी चीजें वो बताएगा कि तुम कर ना पाओ, अब बन गया उसका धंधा। कोई बताएगा तुम्हें कि 4 बजे उठना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य चित्त वाक्य बोलनी है, 2-4 घंटे पारायण करने हैं, 2-4 घंटे माला जपनी है, ऐसी 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 चीजें बता देगा तुमको नियम के तहत कि साला तुम कर ही ना पाओ। और जब तुम कर ना पाओगे तो वो कहेंगे कि अब कैसे आएगा, क्योंकि तुम तो नियम का पालन नहीं कर, और वो जानबूझ के उन नियमों को फॉलो करेगा ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि ये वो नियम को फॉलो कर रहा है, मतलब इसके पास बड़ा कुछ है, ये चल पड़ा धंधा, ये बन गई फैक्ट्री, ये वैसे ही है, गधे के गधे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के गधे, अब ये चलता रहा, ये दिखाता चले जाएगा, नियमों को बांटता चले जाएगा, ना इसके पास कुछ है ना इसके आसपास के लोगों के पास कुछ। तो समझदार आदमी तो बोलेगा कि भाई तू उद्देश्य के प्रति सजग हो जा, और उस सजगता में ही ये चीजें तुझसे छूट जाए। तो कुछ बात है, एक इंसान है जो शराब पीता है, 100 लोग उसको समझाते हैं, नहीं छोड़ पाते। एक दिन ऐसा होता है कि उसे बच्चा होता है या बच्ची होती है, वो थोड़े से बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, और जब उन बच्चों को पता चलता है कि अपने पिता शराब पी के तमाशे कर रहे, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ या बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वो समझदारी से छोड़ देते कि अभी बस, अब रुकने की बारी है, अब बच्चे बड़े हो रहे। तुमने देखे होंगे अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग कि जो एक समय तक उन चीजों को करते थे, लेकिन एक जैसे ही कुछ समय आया, अंतराल आया, बच्चे बड़े हुए, कि वो रुक गए उन चीजों से, उन्हें कहा नहीं नहीं अब बच्चे बड़े हुए, है ना। ये हुई समझदारी। और उसके पहले तो 100 लोग उनको समझाते थे रोज, फिर भी ना छोड़ पाए कभी। समझदारी भीतर से आती है। तो जब तुम ध्यान और चेतना के प्रति, साधना के प्रति सक्षम हो जाओगे, कंटिन्यूअस एफर्ट्स उसमें डालोगे, तुम पाओगे तुम्हारे भीतर ही ऐसी रचना बनी कि इन ये चीजें अपने से तुमसे छूटी, तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं। वरना मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो मुंह से तो ऐसे बोलेंगे कि ऐसे बैठे हैं, तुमसे बात हो रही, क्या भाऊ कैसे क्या, और उसमें भी संस्कृत का कुछ जरूरत नहीं, संस्कृत बताना है, संस्कृत आती में ऐसे तुम देखोगे कि मुंह में तो गालियां है लेकिन बातें ऐसी, दिल से तो ऐसी गाली निकल रही उसके लेकिन मुंह पे नहीं आनी चाहिए। बाहर तो ऐसी बातें शुरू है कि नहीं नहीं नॉनवेज मतलब पाप, ये वो, और खुद उसका मन ललचा जाता जब वो KFC की बकेट देखता,
फिर वो मुंह मुंडी मोर लेता, बोलता माया माया, अभी ते खाया एक दर्जन भय मोकड़ा। ऐसा जी के भी क्या फायदा? हिपोक्रेसी में मत उतर जाना अध्यात्म के नाम पे, नियमों के नाम पे जो हो रहा है, और इसी कारणवश तुम्हारा हाल ऐसा हो जाएगा, ना राम मिली ना माया। उससे बचना बबलू, तुम्हारा उद्देश्य इतना क्लियर हो, तुम ध्यान में ऐसे अग्रसर हो जाओ, तुम ध्यान में ऐसा डूबो कि ये चीजें तुमसे अपने से छूटे, अब किसी का मांस खाने का तुम्हारा दिल ही ना करे। अब शराब पीने की बात ही छोड़ो, अब दिल ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम विरोध करते घूम रहे हो भूख के जैसे। याद रखना, बाहर से तुम उन्हीं चीजों का विरोध करते हो जो तुम्हें भीतर से परेशान कर रही। तो नॉनवेज का विरोध करने वाले जो लोग हैं ना, वो खुद से परेशान है, क्योंकि खाना तो उनको भी है, क्योंकि जो वो सब्जी बनती है और उसका स्मेल उनके नाक में जाता है ना, तब दिल तो उनका भी ललचा जाता है कि अरे 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 क्या सुगंध आ रहा है ना। अब जिंदगी भर खाया नहीं, अब कैसे खाए? तो फिर बड़े बड़े बातें कि नहीं नहीं खाना नहीं चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, क्या पाओ। तो भीतर से खुद को सही करने की कोशिश करना, बाहर से बड़ी बड़ी बातें मत करना। तो नियम वियम को बाजू में रख दो, साधक वही है जो अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार हुआ, जिसने कहा जब तक मिलेगा नहीं तब तक बोलूंगा नहीं, जिसने कहा कि मैं अभी डूब ही जाऊंगा अपने भीतर, जिसने ये समझा कि बाहर की चीजों के प्रति तो मैंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा ली, अब थोड़ा अपने प्रति भी मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा लूं, मैं सबके काम आया, अब थोड़ा खुद को भी खुद के काम में ला लूं, थोड़ा खुद को भी ऐसा ढाल लूं कि खुद तो थोड़ा अपने अंतिम समय में काम आ जाऊं, वरना तुम सबके काम के बचते और खुद के कुछ काम नहीं आते, और तुम फिर दुनिया को गाली देते घूमते एक समय के बाद कि सबका सब किया मेरे को क्या मिला, सबका सब किया मेरे को, ऐसा तुम पाओगे अपने ही घर में पाओगे ऐसे बूढ़े बाड़े जो कहेंगे कि भाई जिसको जो किया जा सकता था उस हर किसी के लिए हर कुछ किया, हाँ खाने वाले को खाना दिया, गरीबों को सब किया, हर किसी का सब कुछ किया, लेकिन कुछ काम नहीं आता, कोई अपना नहीं रहता, सब मतलब ये ऐसी बातें तुम अपने ही घर में सुनोगे। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो भीतर से रिक्त है। अब वो दूसरों, उन्होंने ये सोचा कि दूसरों के काम आऊंगा तो अपने भी काम आऊंगा, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, तो अब दुनिया को गाली देते बैठ, क्योंकि दिल तो है, उसको समझाना भी है कि तू सही जिया, तो फिर लोगों को गाली मारो, फिर कहो कि दुनिया ही खराब है इसलिए मेरे जीवन में समस्या है। पहले भीतर से खुद को सही कर लो, बाहर की चीजें तो सही अपने से हो ही जाएगी, तुम चिंता मत करना बाहर की चीजों। तो मेरी बात इतनी ही सुन लो कि तुम 10 मिनट मुझे दे दो, मेरे नाम से 10 मिनट दे दो, सीधी बात कह दो, एकदम सीधी बात तुमसे कि तुम 10 मिनट मेरे नाम पे दे दो, चाहे ध्यान करो या मंत्र, और तुम्हारे बाकी 23 घंटा 50 मिनटों की जिम्मेदारी मेरी मेरी पूरी की पूरी मेरी, और ये बात भी अपने जीवन में अनुभव करके ही देखना, उसके बगैर भरोसा मत करके तो देखो, सब चीजें सही हो जाएगी अपने से सही हो जाएगी। तुम बस खुद को थोड़ा सा समय दो, जीवन तुम्हारे लिए भरा बैठा, तुम सबको समय देते अपने को नहीं देते, फिर दुनिया को गाली मारते मर जाओ, और जिसको ऐसा मरना है मरो, मेरे को कोई लेना देना नहीं।